आप लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिए ना। नॉर्थ ईस्ट में पॉलीएंड्री है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी है। क्या पॉलीएंड्री क्या है? एक औरत चार चार तीन तीन मर्द से शादी करती। व्हाई शुड आई फॉलो यू? मैं क्यों फॉलो करूं आपको? Just hold on. You see, in Islam, you have Shias who follow the Jafari school of thought, Imam Jafar al-Sadiq radiallahu ta'ala anhu. You have Hanafis, which are majority in India. Then you have Shafi'is. The Kachi Maimons have also their own customary practices are there. This is what I meant. There is so much of pluralism in this. And it is there. First come to polygamy. That is more interesting to me. Because I am happy only with one. If a successor of a deceased male, they don't have any issues, the property goes to him. Property goes to? If the deceased person has two daughters, then the daughter's property is divided between uncles and other families also. Under Sharia law. Okay. And what about in Hindu law? No. What about Hindu? Hold on. See, what about Hindu law? What about Hindu law? बोलो हिंदू लॉ कभी तो बोलो। देखिए मैडम, देखिए आप मैं आपको बोलूँ, व्हाट अबाउट हिंदू लॉ? हिंदू लॉ में क्या है बोलो आप? सुप्रीम कोर्ट का एक केस है उसमें। यू आर डेलिबरेटली मिसिंग वन पॉइंट। आई एम नॉट एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स टू यू। यू आर प्रोटेक्टेड अंडर कस्टम्स एज अ हिंदू टू डू व्हाट यू वांट टू डू। That is what I am saying. आपको प्रोटेक्शन है कस्टम का। मैं ये बोल रहा हूं कि आप, मैं आपको एक दो दिन में एक चार्ट बना के आप सबको देता हूं कि मुस्लिम महिलाओं को कितने प्रॉपर्टी के शेयर्स मिलते। सबसे ज्यादा शेयर मिलता मुस्लिम महिलाओं को 10 जगहों से मिलता। ये आप एक एग्जाम्पल दे रहे। अरे उसका क्या वजह है आपको बता रहा हूं मैं। उसकी वजह क्या आपको बता दूंगा मैं। अनफॉर्चुनेटली मैं देर हो गया मेरे को रात में। मैं आपको कल ही देता हूं, मना कि आज शाम तक देता हूं। आप देख लो, देख के फिर आप वो, क्योंकि आपके सर्वे में आप करें वो सब चीजा हो। नहीं ठीक। वो आपको 10 जगहों से मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी का शेयर मिलता। उसमें है चीजें ये। And it's not just, my question is not just pertaining to Islam. Even with Hindus or any kind of religion, there are these aspects which are controversial. Don't you think a uniform civil court will address those concerns? And why are you attributing that this is going to be a Hindu civil court? Exactly, it is. Exactly, it will be, because it will be majority and morality which will be imposed on the minorities and the Adivasis and the Christians and the Sikhs. You are against the two forms of talaq which are legally available to me. You want me to give divorce on the basis of how divorce is given within the Hindu community. Why should I follow you? Main kyun follow karu aapko? Aapka tareeqa kyun apnau main? आपको पूरी इजाजत है आपका तरीका डिवोर्स का, आप करिए। आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं आप? यानी मैं 7 साल तक, चार पांच साल तक खींचता रहूं, वो दिखाऊं मैं? भाई इररिकंसिलेबल डिफरेंस बता रहा हूं, मेरे को तलाक हो जाता। 125 सीआरपीसी है मेंटेनेंस के लिए। ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया ना। अब तो आप चीखा नहीं मार सकते, रो भी नहीं सकते। अब आप है ही नहीं रिक। अब ट्रिपल तलाक का मैं 3 मरतबा स्पीचेस में बोला कि ट्रिपल तलाक विल बी अ ग्रेव इनजस्टिस टू मुस्लिम वुमन। इट इज हैपनिंग नाउ प्रैक्टिकली। आप दारुसलाम में बैठो मेरे साथ, छोड़ के भाग गया साहब, छोड़ के भाग जा रहा हूं उन्हें। उसके बजाय हम क्या बोले थे कि निकाहनामे में आप ये लिख दो। निकाहनामा इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है मैडम। हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है। हमारे को एक जन्म काफी है बीवी के लिए।
शादी मेरी शादी हो के 28 साल हो गए, ये हाल हो गया मेरा। ये कब? और क्रिश्चियनिटी में मैरिज इज मेड इन हेवंस, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखो आप, हम बोले पार्लियामेंट वाले यू राइट दिस इन, आप लॉ बना दो कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आप ट्रिपल तलाक देगा तो मेहर का 200% बढ़ के देना, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल लीड टू क्रिमिनल केस ऑल्सो। नहीं, आप क्रिमिनलाइज कर दिए मोदी जी उसको। अरे निकाह कॉन्ट्रैक्ट है, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया आप, और वो भी सबसे ज्यादा सारा 2 साल की सिर्फ मुसलमानों को है, दूसरों को नहीं है। आप देखते जाओ कैसे आ रहे हैं लोग, वही तो हम बोल रहे हैं आपको। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस्लाम में और नॉन मुस्लिम्स में, सेकंड वाइफ है तो सेकंड वाइफ नहीं मानते उसको, उसको मिस्ट्रेस बोलते। इस्लाम में सेकंड वाइफ सेकंड वाइफ है, और उसको राइट टू मेंटेनेंस मिलता, अलग घर मिलता। दूसरे आप से सेकंड वाइफ रख रहे, उन्होंने आपके वाइफ नहीं है, उन्होंने मिस्ट्रेस है। तीसरी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करने वाला है कि शादी मर्द में हो सकती है, औरत में हो सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट अभी डिसाइड करने वाला है वेदर एक मर्द दूसरे मर्द से शादी कर सकता क्या, एक औरत दूसरे औरत से शादी कर सकती क्या, अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करने वाला है। चौथी बात यह है, आप लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिए ना, लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिया आप। जब वो लीगल कर दिया, फिर इसके पीछे क्यों पड़े हुए भाई आप? यानी अगर उन्हें शादी कर लिया फर्ज करिए, मगर बोलता मैं लिव इन रिलेशनशिप करूंगा, मुर्गी कैसे चोंच चोंच मारते रहता हर जगह पे उन्हें, वो मर्द वो भाई आप शादी कर लिए ना, लिव इन रिलेशनशिप में हूं मैं, आप अलाउ कर दिए, आप अलाउ कर दिए उसको। ये तो आप लीगली आपको व्यू पॉइंट बोल रहा हूं मैं। आप पॉलीगमी बोलते, आज नॉर्थ ईस्ट में पॉलीएंड्री है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी है। क्या पॉलीएंड्री क्या है? एक औरत चार चार तीन तीन मर्द से शादी करती, यह है कल्चर का हिस्सा है उनके। आप ऐसा शॉक मत हो जाइए, ये उनके कल्चर का हिस्सा है, पॉलीएंड्री है उसमें। अब टीवी पे बैठने वाले मुसलमान चार शादी, अरे क्या पॉलीएंड्री के बारे में बोलो, यह है, ये हिस्सा है, ये भारत का कल्चर है, ये ट्राइब्स का कल्चर है ये। और नॉर्थ ईस्ट में आप प्रॉपर्टी का बोले, आप ये बात क्यों नहीं पूछते मेरे से? नॉर्थ ईस्ट में एक ट्राइब में सबसे छोटी बेटी को बाप की पूरी जायदाद मिलती, अब क्या हुआ बोलिए उसका, सबसे छोटी बेटी को। डिफरेंट यही तो भारत की खूबसूरती है। आज इंडिया में ट्राइबल्स की आबादी 2011 में 9 करोड़ बताए थे, अब कम से कम 11.5 करोड़ की आबादी है। आप करना क्या चाह रहे इस देश में, करना क्या चाह रहे बीजेपी इस देश में? नहीं, कैसा लाएंगे आप? उनको एक ऑब्सेशन है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स। अब तो मोदी जी बोल दिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर। अब क्या बात है, वन फर्टिलाइजर हो सकता है क्या पूरे इंडिया में? अच्छा, और एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, आप कानून बना दिए ना, अब आप ये बताइए कि 9 मिलियन गर्ल्स आर मिसिंग 2000 से 2019 तक, 9 मिलियन गर्ल्स आर मिसिंग इन इंडिया फ्रॉम 2000 2019। हम फीमेल इन्फेंटिसाइड का कानून बना दिए, 86% उसमें किसके है बोलो आप, किसके? मुसलमानों के है क्या? बोलिए ना, हम जो यूसीसी की बात करते, जो महिलाओं की मोहब्बत की बात करते, बोलो फिर ये 9 मिलियन यानी खरीब खरीब उत्तराखंड की आबादी हो जाती मिसिंग है, देख लिए बच्ची है निकाल दो पेट से।